बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करना जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारा सब्जेक्ट का नाम सेकेंडरी एजुकेशन है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8624 है। आज हम इसका लास्ट चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम्स इशूज़ एंड ट्रेंड्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, और मैं मोहम्मद सबला खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो क्या है। इट इज़ मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 5 to 16 ईयर्स एंड इनहेंस एडल्ट लिटरेसी। यानी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी करता है, यानी कि उन्हें जो है लागू करता है कि 5 से लेके 16 साल के जो बच्चे इनको फ्री की एजुकेशन दी जाए और उन्हें लिटरेट बनाया जाए। विद द 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द कॉन्क्रीट लिस्ट विच कंप्राइज ऑफ 47 सब्जेक्ट्स वॉज एबॉलिश एंड दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूड एजुकेशन वर ट्रांसफर टू फेडरेशन यूनिट एज अ मूव टूवर्ड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि 18वीं तनवीन के बाद जो 47 सब्जेक्ट है जिनमें उनको ख़त्म हो गए और उसमें से जो एक खास तौर पे एजुकेशन थी वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई फेडरल से प्रोविंशियल में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से बलोचिस्तान वगैरह में, कि वो अपनी मर्जी इसके अंदर फैसले कर सकते हैं। फिर है द रूल एंड रेगुलेशन डेट गाइड द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शंस विद इन द सेट अप आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ये सब कुछ जो है और इंडिविजुअल की गाइडलाइन है, ये सब कुछ रूल है रेगुलेशन ये पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। तो आई स्टूडेंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, वो क्या है। नंबर वन पे डिफाइन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एट सेकेंडरी लेवल। हम डिफाइन करेंगे एजुकेशन को सिस्टम को सेकेंडरी लेवल पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फिर है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन। बाकी हम उजागर करेंगे प्रॉब्लम्स और इशूज़ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान में। फिर है जी डिस्कस द सेट द न्यू ट्रेंड इन सेकेंडरी एजुकेशन कॉमन नाउ अराउंड द ग्लोबल। सेकेंडरी एजुकेशन के जो ट्रेंड है वो कॉमन जो है अराउंड है ग्लोब में, उसको हम इसमें बताएंगे। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले पास है एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ ओवर सीन बाय फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वेयर एज द फेडरल गवर्नमेंट मोस्टली असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट एक्रीडिएशन एंड इन द फाइनेंसिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Article 25A of Constitution of Pakistan abolished the state of provide free and compulsory quality education to children of the age group 3 to 16. यानी Article 25 ने ये 25A ने ये obligatory करते हैं कि free और quality की education जो है वो 3 साल से 16 साल के बच्चों को दी जाए। आगे analyze an education system in Pakistan, education की को आए समझते हैं पाकिस्तान की है कि है क्या। ये पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट्स कमिटमेंट टू प्रमोट एजुकेशन एंड लिटरेसी इन द कंट्री बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एट डोमेस्टिक लेवल एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल कमेटी ऑन एजुकेशन, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी पे और एजुकेशन लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे इसको किस तरह से जो है समझा जाए, ये एजुकेशन को प्रमोशन किस तरह की जाए, लिटरेसी रेट को कैसे पाकिस्तान का बढ़ाया जाए, ये पूरा पाकिस्तान का फोकस होता है। आगे स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन प्रॉब्लम्स ये क्या है जी। सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान बिगिंस फ्रॉम ग्रेड 9 एंड लास्टेड टू 4 ईयर्स, यानी कि ये ग्रेड 9 से शुरू और ये 4 साल तक तालीम तक जाते हैं। आफ्टर एंड ऑफ द ईच ऑफ द 4 ईयर स्कूल ईयर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पास नेशनल एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाई रीजनल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन BISE जिसे कहते हैं। फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फिर हम क्रिटिकल एनालिस करते हैं एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होते हैं,
In Pakistan, education is the most neglected in terms of financial support from the government side. Government side say government spend the least subject on education, which is less than 2% of the gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, यानी जो 2% से भी ज़्यादा जो बजट का वो हमारे एजुकेशन पर लगता है, कि बहुत ही अफसोसनाक बात है पाकिस्तान के कंटेक्स में एजुकेशन को लेके। फिर है पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज डू नॉट हैव फ्री फ्रॉम द क्लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती है पाकिस्तान के एजुकेशन को। आगे स्टूडेंट चलती है जी, सोशल रिकॉग्निशन, ये किया जी, इन पाकिस्तान टीचिंग प्रोफेशनल डज नॉट इंजॉय अ ग्रेट सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। ग्रेट स्टेटस रिलेटिव है सोसाइटी में, टीचर प्रोफेशनल में इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। टीचिंग इज कंसिडर एज द मोस्ट अंडर पेड एंड लेस अट्रैक्टिव प्रोफेशन एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। यानी कि टीचिंग को जो है ये पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और इसे और इसकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है अगर कंपेयर करें मेडिकल की फील्ड को और इंजीनियरिंग की फील्ड को। फिर ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेशन, फिर गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू स्कूल टीचिंग। यानी कि प्रेजेंट नहीं, यानी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है गवर्नमेंट लेवल से स्कूल की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर यानी कि पुराने ढके उसी टाइप के कमरे होते हैं जहाँ जो है ना इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होती, वहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों का बैठना, और टीचर का पढ़ाना और सफाई का ना होना, और बाथरूम जो है उधर से कोई सफाई ना होना, वहाँ पे गैर मुनासिब पानी और हर चीज़ जो है बहुत मुश्किल होता है स्कूल टीचिंग करना, एक टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए और पूरे के पूरे स्टाफ के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। फिर जी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, फिर जी टीचर इन पाकिस्तानी स्कूल्स आर ऑलवेज एट द स्वीट विल ऑफ एजुकेशन ऑफिसर्स एंड स्कूल एंड, यानी कि जो टीचर जो होते हैं हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, ये उनके अगर किसी की किसी पे सोबत आ जाए, कोई किसी को पसंद कर ले, तो वो फिर उसको वो जो टीचर चाहते हैं उसी मर्ज़ी से हेडमास्टर उसको वहीं पे ट्रांसफ़र करते, उसकी मर्ज़ी की बात मानी जाए, जो कि नाइंसाफ़ी थी, मेरिट के ऊपर काम नहीं चल रहा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें ऐसे लोगों को जो है मुंह नहीं तोड़ती उनको, बल्कि उन्हें सपोर्ट करती है गलत लोगों को और करप्शन करने का खूब मौका देती है, और इससे हमारी टीचिंग जो फील्ड है टीचिंग सेक्टर है पाकिस्तान का, ये भी बदनाम और बर्बाद मुसलसल हो रहा और आगे भी होगा जब तक कि इस पर रोक ना लगे और इसे ठीक ना किया गया। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जी टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल विच नीड कंटिन्यूअल अपडेट, फिर न्यू चेंजेस अकर्स इन द सोसाइटी एंड अराउंड द वर्ल्ड नीड टीचर्स टू बी कंटिन्यूसली एब्स्ट्रैक्ट विद लीस्ट थीरीज रिसर्च एंड अदर एडिशन टू पूल ऑफ नॉलेज। यानी पूल ऑफ नॉलेज के अंदर जो है चेंज करना सोसाइटी को एक टीचर के ही हाथ में होता है, अगर वो उसे सही तरह से कंटिन्यूसली सही तरह टीचिंग करे। फिर स्टाफ रिलेटेड रिलेशंस, ये रिलेशंस ऑफ टीचर एंड बिटवीन हेड टीचर्स एंड द स्टाफ इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ, यानी कि स्टाफ मेंबर में या स्टाफ रूम में जब टीचर्स और टीचर्स से रिलेशनशिप होता है आम ट्रेन और हेडमास्टर का और जितने भी लोग हैं सबका जो है ये ट्रस्ट जो है कायम करने के लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है। फिर जी कम्युनिटी रिलेशंस, ये जी स्कूल एंड कम्युनिटी इन मिनीचियर टीचर्स आर इम्पोर्टेंट चेंज एजेंट्स एंड द टीचर्स आर एकेडमिक लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि टीचर्स हैं वो एज ए लीडर एकेडमिक लीडर काम करते हैं, जो कि स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ा के उन्हें सोसाइटी के लिए एक अच्छा शख्स बना दें, उनके हाथ में होता है कि वो कैसे चेंज एजेंट की तरह काम करें, यानी कैटलिस्ट कैसे वो बन सके सोसाइटी को भेज एक स्टूडेंट को अनपढ़ से पढ़े लिखे इंसान बनाने में एक टीचर की याद में। तो फिर स्कूल पॉलिसीज, ये द पॉलिटिकल ग्रुप्स इन स्कूल आर ज्वाइन बाय द अदर ग्रुप फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि पॉलिटिकल जो ग्रुप है इन स्कूल है आर ज्वाइंड बाय, ये कि आउटसाइड से पॉलिटिकल जो ग्रुप है इसको इन्होंने ज्वाइन किया होता है, यानी इसी जिसकी वजह से पॉलिटिक्स वहाँ चल रही होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जी एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये द EFA गोल्स फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंक्लूड्स प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग होती है, अब हम स्टूडेंट्स देखते विजन 2030, यानी कि विजन 2030 में क्या होना चाहिए एजुकेशन के बारे में। विजन 2030
ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान लुक फॉर एन एकेडमिक इन्वायरमेंट विच प्रमोट्स द टीचिंग मीडियम माइंड एंड टीचिंग माइंड के लिए अंडर इसकी तब्दीली लाएगा 2030 तक. द गोल अंडर विजन 2030 इज वन करिकुलम एंड वन नेशनल एग्जाम सिस्टम अंडर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब एक जो मेन चीज़ आ रही है स्टूडेंट बताऊँ, ये एक नेशन एक 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 जो है एक करिकुलम लाना चाह रहे हैं, जैसे ओ लेवल ए लेवल या उर्दू मीडियम न्यू मीडियम या इंग्लिश मीडियम है, इसको ख़त्म करके जो है कि कहते हैं एक मीडियम है जिसमें तमाम पाकिस्तान एक ही जैसी किताब में एक ही जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ेगा और दो तरफा जो है यानी यानी कि भेदभाव यानी कि तो नहीं होगा और सबको जस्टिस की तरह से पढ़ाया जाएगा. ये 2020-2030 का विजन है पाकिस्तान का. आगे स्टूडेंट चलते जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये क्या जी, इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फेस दैट पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर अप्रॉक्सीमेटली 31 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर वोकल एक्सपेक्टेड अ क्वालिटी ऑफ वेरिकल बाय अनफॉर्चुनेटली नो सिंगल लैंग्वेज इज यूजली स्पोकन और अंडरस्टैंड इन द इंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान. में मुख्तलिफ लैंग्वेजेज होती हैं. कैट कहा जाता है कि 31 पाकिस्तान की वोकल लैंग्वेज है जिसमें से एक भी लैंग्वेज जो है वो किसी को भी उसमें समझाया नहीं जा सकता. तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तान का. फिर है हैंस दिस स्टडी एम टू एक्सप्लोर स्टूडेंट्स टीचर प्रिपरेशन ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन डेट मे प्रोवाइड साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट्स. यानी साउंड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल्स जो है वो भी टीचर के जो है प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और जिस मीडियम में स्टूडेंट को पढ़ाया जाए ये उसमें नॉलेज उसकी अंडरस्टैंडिंग करना भी एक टीचर की महारत है. अगर स्टूडेंट चल रही है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. ये क्या है जी, बर्डन ऑफ मोर क्लासेज. यानी कि एक बार टीचर होते 50 स्टूडेंट होते या 100 स्टूडेंट होते और मुख्तलिफ क्लासेज में डिवाइड हो रहे हैं, सबको पढ़ाना एक टीचर के एक मौजाती काम होता है जो कि वो करता है. इसी वजह से वो स्ट्रेस में आता है और इसी वजह से वो मारने पीटने पर मजबूर है, स्टूडेंट्स भी मरने पीटने में मजबूर है और वो बर्डन हो जाता है दोनों के लिए जो कि ऑडियो वीडियो एड्स ही मौजूद नहीं होते. फिर टीचर कैन नॉट पे इंडिविजुअल अटेंशन टू मेनी स्टूडेंट्स विच इज़ अ ग्रेट फिलोसफिकल एंड सोशल नीड ऑफ स्टूडेंट्स. यानी कि टीचर जो है 1,100 बच्चों को कैसे क्लासें पढ़ा सकते, तो फिलोसफिकल भी स्टूडेंट उन बच्चों की नहीं तवज्जो दे और सोशली भी उनको ज़्यादा एंगेज नहीं कर सकता जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट भी नहीं समझ सकते जो टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं. लैक ऑफ फिजिकल एंड लर्निंग रिसोर्स यानी फिजिकल लर्निंग सोर्सेज जो हैं वो भी मुतासर है. फिर लैक ऑफ सुपरविजन यानी सुपरविजन टीचर इतने स्टूडेंट्स को नहीं सुपरवाइज कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है बल्कि ना होने के बराबर काम है. द एजुकेशनल सिस्टम को लैप्स इसी वजह से एजुकेशन को लैप्स हो जाता है पाकिस्तान का जो कि हो रहा होता रहेगा जब तक इस पे चेंजेस ना आए. फिर लैक ऑफ प्रॉपर प्लान, इसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग करने की जो कि अभी भी लैकिंग हो रही है पाकिस्तान. फिर सोशल कॉन्स्ट्रेंट, सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स को देखना जरूरी. फिर जी करिकुलम इशू, जैसे आपको पता है कि पीछे बात हुई थी करिकुलम जी, यहाँ पे कई करिकुलम है इंग्लिश मीडियम उर्दू में ओ लेवल ए लेवल तो जिसकी वजह से तबाही मची हुई और एक करिकुलम है नहीं जिसमें सब में इशू और जो करिकुलम में पढ़ाया जाता है उसमें भी कन्फ्लिक्ट है, उसमें भी इशूज़ हैं. तो ये बड़ा मसला, हर तरह से खिचड़ी बनी हुई है करिकुलम की पाकिस्तान के. फिर है इशूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वही जो आपको बात की टेक्स्ट बुक्स में कुछ चीज़ें पढ़ाने कुछ चीज़ मुनासिब है कुछ गैर मुनासिब, कुछ किसी मतलब को पसंद है कुछ नहीं पसंद है. तो जो कुछ इस्लामी की कुछ गैर इस्लामी चीज़ें तस्वीरें होंगी कई भी चीज़ें होंगी या उसमें जो लिखा हुआ है वो गैर शरी गैर इस्लामी है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसको उसकी पकड़ ढककर होनी चाहिए और सही तरह से पढ़ाना चाहिए. ऐसा पढ़ाना चाहिए जो सबके लिए एक मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाएगा. स्टूडेंट्स ये डिफ्रेंशिएशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये क्या, टीचिंग टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन. फिर फ्लिपिंग लर्निंग. फिर इशूज़ जो है वो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कितनी कॉस्ट है कि दिन ब दिन कॉस्ट महंगी. टिप स्टूडेंट माँ बाप नहीं भर सकते, ये जो है बड़ा मसला. फिर है वॉर ऑन टेरर, टेरर जो है पाकिस्तान में दहशत कर दी जिसकी वजह से भी आप जानते हैं कि APS का वाकया हुआ जिसमें 2014 में शहीद बच्चों को किया गया और उसकी वजह से एजुकेशन में आज आप देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतों में बड़ी बड़ी ये जो उसमें जो बड़ी बड़ी रॉड्स लगाई होती है बड़ी बड़ी ये कांटे शांटे लगाए हुए होते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे पे कोई चढ़ नहीं सकता, हमारे पे कोई आम आदमी भी पढ़ नहीं मार सकता. एक इससे वो फॉरेन टेरर की. फिर जेंडर एंड जियोग्राफिक कैप्स,
यानी कि जेंडर में और ज्योग्राफिकली जो है बहुत अलग है, कि जैसे पंजाब का कोई बंदा, कोई सिंध का, बलोचिस्तान के, ज्योग्राफी के गैप से उनकी उनकी अब बॉर्डर बाजे, उनकी ब्रीडिंग, उनकी उनकी हर चीज़ में फ़र्क है, तो वो जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे का समझ नहीं आती, तो इसलिए वो मार खा जाते हैं। और जो टीचर है वो भी किसी और इलाके का होता है तो वो भी समझा नहीं पाता। और जेंडर जन मर्द और जब कुछ मसला ये होता है कि टीचर जो मेल के साथ ही पढ़ाते हैं तो फीमेल से इंटरेक्ट वो कर नहीं सकता, तो जब पहली दफ़ा फीमेल को पढ़ा रहे तो उसे इंटरेक्शन करने में, पढ़ाने में उसको मुश्किल पेश आती है। ये भी एक पाकिस्तान में मसला है एजुकेशन के सेक्टर में। फिर द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट बींग प्रॉपरली, और यही बात मैं बता रहा हूँ वुमेन के, जब वो टीचर बॉयज़ स्कूल में पढ़ाते हैं तो वुमेन के लिए बॉयज़ को पढ़ाने एक मुश्किल पेश आती है, और वो बॉयज़ को या फीमेल्स को या पढ़ा रही इकट्ठे होती है, बॉयज़ को इकट्ठे एक फीमेल पढ़ा रही होती है, वो पढ़ा नहीं पाती, वहाँ से रोक के चली जाती, या वो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, उसकी इंट्रेक्शन नहीं हो पाती। तो ये भी टीचर ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, जिससे सबसे पहले जेंडर की इंट्रेक्शन भी जो है सिखाई जाए, वरना बहुत सारे लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ जाते हैं, अच्छे जो है साथ, और इससे भी पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है एजुकेशन सेक्टर का। फिर द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना सही नहीं है एजुकेशन का, और ये पूरे पाकिस्तान में जो है सही तरह से नहीं दिया हुआ। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, ये जो वैल्यू एजुकेशन, ये क्या है, रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग में आता है दिस मॉडल अलाउ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट मेक इट स्कूल स्टिल अटेंड वर्चुअली। वर्चुअली जो अटेंड करना जो है ये मुमकिन है, जो अभी जानते हैं COVID-19 में, कोरोना में जब ऑनलाइन एजुकेशन हुई थी, बहुत लोग व्हाट्सएप पे और जो सोशल मीडिया वेब की जो सॉफ्टवेयर से उस पर पढ़ने की कोशिश की थी, तो वो जो है इतने कामयाब नहीं हुए, और जिन लोगों के पास नहीं थे उन्हें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि टीचर भी ट्रेन थे, स्टूडेंट भी ट्रेन नहीं थे। दे अटेंड क्लास थ्रू वीडियो एंड अक्रॉस कॉन्टेंट ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन के जो कंटेंट है उसके ज़रिए पढ़ाया जाता है, थ्रू जो आपने कोविड में देखा ऑनलाइन एजुकेशन हुई, यानी ई लर्निंग हुई, लेकिन वो जो है वो उसमें कंटेंट ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। तो यहाँ ये बताया। फिर माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग मेक लर्निंग इन इंट्रैक्शन एंड मल्टी डायमेंशन इंस्टेड ऑफ अन यूनी डायरेक्शनल एंड पैसिव, यानी कि इसमें जो है माइंड मैपिंग में आपको इंटरेक्टिव और मल्टीपल डायमेंशन को नहीं देखा जाए, बल्कि यूनी डायरेक्शन या पैसिव को देखा जाता है। इट ग्राफिकली एंड विजुअली यूजिंग क्रिटिकल आइडियाज दैट आर लिंक्ड टुगेदर विद लाइंस एंड द सेम वे द ह्यूमन माइंड वर्क, दिस मेक इट इजीली टू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टूडेंट्स को जैसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करने इसी को हम कहते हैं माइंड मैपिंग, बड़ी लफ्ज़ों में इसी को स्टूडेंट कहते हैं, यानी कि एक चीज़ से कई चीज़ों की शाखें निकालना। इसमें क्या होता है, ह्यूमन के दिमाग से सोचा ऐसे एक बात दे दी जाती है, जाते कि कैसे इसके और क्या हल हो सकते, इससे क्या होता है स्टूडेंट की जो होती है माइंड मैपिंग होती है, और वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर बढ़ती है। तो ये क्लास में प्रैक्टिस टीचर्स जो है, अच्छे टीचर्स जो कराते हैं, इससे स्टूडेंट्स की अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होती है। फिर बिग बिग डेट, बिग डेटा क्या स्टूडेंट्स, ये इन द कनेक्टेड एंड मोबाइल एज वी लिव इन, डेटा हैव बिकम द लो हैंड्स फ्रूट, ऑल एजुकेशनल लीडर्स शुड बी लिवरेज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ न्यू क्लास रूम टेक्नोलॉजी, यानी क्लासरूम टेक्नोलॉजी में जो बिग डेटा, जैसे आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते, AI कह सकते, उसके ज़रिए क्या होता है कि जो मेन चीज़ होती है, मेन एल्गोरिथम एजुकेशन के लीडर्स के, वो फ़ौरन मिल जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, और इससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन को फ़ायदा होता है। और न्यू क्लासरूम और न्यू टेक्नोलॉजी बनी है, जिसके ज़रिए जो है जो जो जो, जो एजुकेशन के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाए, और इसका फ्रूट जो है अब पूरी दुनिया खा रही है, पाकिस्तान को छोड़ के, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बिग डेटा की एक अचीवमेंट है। आगे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है गेमिफिकेशन। फिर है डिजिटल टेक्स्ट बुक, यानी डिजिटल यानी ऑनलाइन टेक्स्ट, यानी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आपके मोबाइल में टेक्स्ट बुक मौजूद है, जिसको आप किसी वक्त भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, या टैब में, फिर या लैपटॉप पे। फिर है जी सोशल मीडिया, यह सोशल मीडिया इज़ यूजली कंसिडर्ड अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन व्हेन इट कम्स टू द क्लासरूम, जब ये क्लासरूम की बात है तो सोशल डिस्ट्रैक्शन में इसका अहम तरीन रोल है। फ्रॉम फेसबुक टू यूट्यूब एंड ट्विटर, मैनी एजुकेटर्स आर फेयरफुल एंड इट्स यूज़, बट इट इज़ शॉर्ट साइड व्यू, यानी कि जो एजुकेशन सोशल मीडिया जिस पर बड़ा अच्छा एजुकेशन कॉन्टेंट मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे,
और ट्विटर पे, लेकिन ये कि ये इसने डर भी फैला दिया है और ये शॉर्ट साइड व्यू है एजुकेशन का। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है समरी चैप्टर की, ये है द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट अलोन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड अ मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड वेल एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन पुट आउट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन फ्रॉम लिटरेसी, यानी लिटरेसी जो है पाकिस्तान की कम की जा सकती है अगर जो है पाकिस्तान में एजुकेशन को अगर उसकी रिफॉर्म्स की जाए, और ये सारे के सारे हुकूमत की गवर्नमेंट के हाथ में होता है ताकि वो पब्लिक और प्राइवेट को अपने ऑन बोर्ड लें और जो जितने भी तब्दीलियाँ लें और उसे उस तरह का मेयार एजुकेशन का सेट करें जैसे का पूरी दुनिया में जो एक बनाया जाता है, ख़ास कर पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से को लेके पाकिस्तान में वही मेयारी तालीम दिया जाए। फिर सिमिलरली टू मेक द यूथ ऑफ द कंट्री एज एसेट, अटेंशन शुड ऑल्सो बी पेड टू वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग भी जो है वो अटेंटिवली टीचर्स को दी जाए जिससे जो है वो एक बेहतर टीचर बन सकते हैं और ये और वो एसेट बन सकते हैं कंट्री का। तो फिर हमारे ला यह हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी हमारा पूरा कोर्स जो है अख्ताम बजट है बीए का 8624 हमारा कोर्स कोड था। ये सारी वीडियोस इस चैप्टर की आपके मेरे चैनल पे मौजूद हैं और भी बीएड के कोर्सेज तो उसको सबको आप देख सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों स्टूडेंट से शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम मोहम्मद सबला खान है, और थैंक यू वेरी मच, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।